हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से सांसद अवधेश प्रताप जी हैं। अवधेश जी, रामलला की कृपा आप पर हो गई और कहा जा रहा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, क्या कहेंगे? अब कहना क्या हो, तो साबित हो गया कि राम के रियल भक्त कौन है और नकली कौन है। ये तो राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं। और हम तो उन्हें बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म ही वहाँ होगा, मेरे रोम रोम में राम है। और मैं तो बाई वर्चू ऑफ माई बर्थ आई एम एंटाइटल्ड टू से कि रियल राम भक्त हम हैं, क्योंकि मेरे बाबा का नाम राम नेवल, मेरे पिताजी का नाम दुखी राम, मेरे भाई का नाम राम अवध, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे ससुर का नाम राम सेवक। तो बाई वर्चू ऑफ माई बर्थ आई एम एंटाइटल्ड टू से दैट आई एम द रियल राम भक्त। और जनता ने साबित भी कर दिया कि राम भक्त कौन है। राम के नाम पर व्यापार करने वाले, राजनीति करने वाले, ये कलई सब खुल गई है। और भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी मानसिकता और विचारधारा की हार है। किसी व्यक्ति की हार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की और उसकी विचारधारा की ये हार है। बीजेपी चिंतन कर रही है। बीजेपी के कुछ सूत्रों का कहना है कि अयोध्या में जानबूझ करके कुछ अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा हुआ, मानते हैं इस चीज को आप? ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या कहें, वो क्या कहें, कोई काम किया नहीं, फोकट में फोकटबाजी किया, जनता के हित में कोई काम नहीं किया, जनता की दीवार गिराया, मकान गिराया, कौड़ियों के दाम जो है जमीन ले ली, और लोगों के किसानों को के ऊपर तलवार लटक रही थी और जबरिया किया, उनका अपमान किया, तमाम कोई काम नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अधिकारी कहेंगे, कहाँ कहेंगे, ये तो उनका कहना है, उनकी जबान पे कोई रोक तो नहीं लगा पाएगा भाई। एक आखिरी सवाल, अयोध्या राम मंदिर की बात करें, पहली बरसात हुई है और मंदिर के छत से पानी टपक रहा है, क्या आप अयोध्या जाएंगे और इस ये जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर भी जाएंगे? ये बात हमने सुना भी है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा है कि जो है मंदिर और राम, प्रभु श्री राम का मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर, बरसात भी कम हुई और टपकने लगा। मंदिर का निर्माण तो ही पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मंदिर निर्माणाधीन है और उसका प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, जबकि देश के तमाम शंकराचार्यों ने, साधु संतों ने कहा यह मुहूर्त नहीं है, मंदिर अभी अधूरा है, ये सारी बातें रखी गई थी उस समय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने तो 24 का चुनाव था ना, उनके सामने तो ये सीट थी जिस पर हम जीत के आए हैं, इस सीट को हथियाने का सवाल था, इसलिए सब जल्दबाजी में सब हो गया, उसका नतीजा सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सिबली के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।